आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में नर्वस सिस्टम के बिना हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता नर्वस सिस्टम का काम हमारे टॉप ऑफ द हेड से सोल ऑफ द फुट तक है बॉडी के डिफरेंट सिस्टम आपस में नर्वस सिस्टम के थ्रू जुड़ी हुए हैं और नर्वस सिस्टम का रोल होता है उन सिस्टम से काम करवाना इसी का मतलब होता डिफरेंट सिस्टम्स और उनके फंक्शन को इंटीग्रेट करना एक एग्जाम्पल लेते हैं कहीं से खाने की खुशबू आ रही है ये इन्फॉर्मेशन नोज के थ्रू ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन प्रोसेस करेगा और हमको हंग वाली फीलिंग आएगी और हम खाना खाएंगे इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है नहीं तो ऑर्गन्स और दूसरे सिस्टम कुछ नहीं कर सकते कुछ और फंक्शंस देखते हैं नंबर वन वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्स जो कि हम अपने डेली लिविंग में करते हैं आई मूवमेंट अगर हमें कोई पीछे से आवाज देता है तो हम पीछे सर घुमाते हैं और देखते हैं नंबर टू स्पीच कोई हमसे बात कर रहा होता है उसको सुनना समझना और उसका आंसर करना नंबर थ्री थिंकिंग जो कि एग्जाम्स में बहुत करनी पड़ती है हाहा हाँ फ्रॉम जोक्स पार्ट हम कोई भी काम करते हैं उसमें सोचना ही पड़ता है सिर्फ रेस्पिरेशन बीट और रिफ्लेक्सेस में नहीं सोचते इमोशंस किसी सिचुएशन में क्या इमोशंस रहेंगे बिहेवियर किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करना नंबर फोर जो भी हमें चीजों के शेप साइज या ठंडा है या गर्म है महसूस कर पाते हैं अगर आंखें बंद हो तो या हम एनवायरनमेंट से अवेयर है परसीव कर पा रहे हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से हैं नंबर फाइव कोई भी साउंड होती है तो किस पिच में है ये हमारा नर्वस सिस्टम की वजह से हम बता पाते हैं नेक्स्ट मेमोरी पास्ट एक्सपीरियंस जो भी होता है वो ब्रेन में स्टोर हो जाता है वही हमारे काम आते हैं अगर हम सेम सिचुएशन में हो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आया पर उस टाइम आप उसको नहीं कर पाए लेकिन एग्जाम के बाद आपने उसको पढ़ा तो वो स्टोर हो गया अब वही क्वेश्चन अगली बार आया तो आप कर पाए नंबर एट जो भी ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं डिफरेंट कलर देख पा रही हैं नाइट टाइम में और डे टाइम में अडेप्ट कर पा रही हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से नंबर एट बैलेंस और पॉस्चर मेंटेन कर पा रही हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम अपना काम अच्छे से कर पा रहा है नंबर नाइन ब्रीदिंग डाइजेशन टेम्परेचर मेंटेन हम वॉलेंटरिली नहीं कर सकते तो नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम काम करेगा जब उसको स्टिम्यूलस मिलेगा और नर्वस सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करेगा सेंसरी के बिना मोटर या मूवमेंट नहीं हो सकता और बिना मोटर के बिना सेंसरी काम नहीं कर सकता ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है और ये साइकिल चलती रहती है इस लास्ट पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को समझते हैं नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड होगा नंबर वन ब्रेन एंड नंबर टू स्पाइनल कोड अब ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है फो ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर बैसलगैंडलिया हिपोकैम्पिस एमिडलॉयड न्यूक्लियस थैलमस एंड फैमिली मिड ब्रेन का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है हिंद ब्रेन में आता है पॉन्स मेडिला ऑब्लॉन्गटा और सेरेबेलम मिड ब्रेन पॉन्स और मेडिला ऑब्लॉन्गटा को ब्रेन स्टिम कहते हैं स्पाइनल कोड के बारे में हम अलग से वीडियो में जानेंगे अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम का रोल रहेगा सोमैटिक फंक्शंस में जिसका मतलब है कि बॉडी के मूवमेंट से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसका फंक्शन विसेरास का होता है जैसे हार्ट लंग्स स्टमक एक्सेट्रा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट मोड में एक्टिवेट होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट और रिलैक्स कंडीशंस में काम करता है सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम का रिजल्ट आप चेक कर रहे हो तो आपका हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा और स्वेटिंग भी होगा बट जब रिजल्ट देख लिया कि आप पास हो गए तो हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट वापस नॉर्मल आ जाएगा और स्वेटिंग भी बंद हो जाएगी तो आप रेस्ट मोड में आ गए हों मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है नेक्स्ट वीडियो हम एक एक कर सबके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है और उनसे कैसे काम करवाता है तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड सब्सक्राइब लाइक कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन